आज 5 दिनों के बाद फर्स्ट ड्रेसिंग चेंज हुई है आपकी। ग्रेड 2B गायनेकोमास्टिया था, काफ़ी स्किन एक्सेस जिसमें कि हम लोग लेज़र लाइपोसक्शन, डायोड लेज़र लाइपोसक्शन, ग्लैंड एक्सीजन किए थे। स्किन ऑलरेडी काफ़ी छोटा हो चुका है, चेस्ट एकदम कंप्लीट फ्लैट है। आपको अच्छा लग रहा है? जी सर, बहुत ज़्यादा। अभी हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप जो इसमें करेंगे, एक अल्ट्रासोनिक मसाज करेंगे। अल्ट्रासोनिक मसाज का एडवांटेज ये होता है कि इससे स्वेलिंग, एडिमा जितना है वो सारा कम, ये जो थोड़ा सा एडिमा रेडनेस दिख रहा है इसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और टिश्यू टाइटनिंग भी होती है। मतलब जो स्किन लैक्सिटी थी, जो हमारा टारगेट था कि ये कम्प्लीटली फिट आ जाए चेस्ट पे, ऑलरेडी ये हो चुका है, लेकिन उसमें और कुछ एडेड एडवांटेज हम लोगों को मिलेगा कि वो और बेटर हो जाएगा। ये अल्ट्रासोनिक प्रोब है जिसका कि हम लोग यूज़ करते हैं 1 MHz फ्रिक्वेंसी पे। ऐसे फील करने में, टच में तो इससे कुछ ही पता नहीं चलता है हम लोगों को, लेकिन इसका चेक करने के लिए कि ये वर्क कर रहा है, तो इस पे जब हम लोग सलाइन डालते हैं तो ये इवेपोरेट होता है। इनको चेस्ट के पास रख लीजिए, नहीं सीधा सीधा रखें, नहीं सीधा सीधा पहले नहीं है, आप रखिए इधर से। हाँ, ठीक है। अल्ट्रासोनिक मसाज अब स्टार्ट करिए, करते हैं हम लोग। कि 10 मिनट का मसाज किया जाता है, बहुत बेनिफिट मिलता है इससे। एक तो सूदिंग, बहुत लाइट वेट में करिएगा। आज 5 दिन के बाद फर्स्ट ड्रेसिंग चेंज, अभी अल्ट्रासोनिक मसाज किए हैं। चेस्ट एकदम मेरे समझ से, मेरे दिखने के हिसाब से पूरा फ्लैट है, अच्छा है। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ सर, कुछ मतलब सब और खत्म ही हो गया पूरा। गुड। ग्रेड 2B गायनेकोमेस्टिया था, जी काफ़ी सर, स्किन बाहर एक्सेस था, मतलब सर एकदम रिलैक्स साइड था, साइड सब जगह था, बहुत ज़्यादा था। और काफ़ी अच्छा कंटूर है। जी सर, और हम वीडियो बनाते हैं इसमें, हमको भी अच्छा लगता है। मतलब वीडियो के कारण मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जी जब खुलेगा तो हमको भी इसको देखना है, मेरा भी असेसमेंट इस पे होगा, है ना। तो पहले के कंपैरिजन में आज बहुत बढ़िया, और हम कह सकते हैं कि बहुत बहुत बढ़िया है। बहुत ही ज़्यादा सर। और हमारा कोशिश हमेशा ये रहता है कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी सिर्फ ये नहीं है कि एक मास को निकाल दें, सर्जरी खत्म हो गई, नहीं। उसका जो कंटूरिंग, जो उसका शेप जो फिर फाइनल हम बनाएंगे, वो कैसा दिखेगा, पेशेंट सेटिस्फैक्शन कैसा होगा, लोगों का परसेप्शन कैसा होगा, क्या ये चेस्ट दिखने में ऐसा तो नहीं दिखेगा कि कुछ था जो सर्जरी हुई है। तो इस सब में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कहीं से भी शेप में, मार्क्स में, कुछ में भी ना दिखे। जो निपल पे छोटा सा कट्स का जो निशान जो दिखता है वो भी समय के साथ खत्म हो खत्म हो जाएगा, जाएगा कुछ भी सर। नहीं दिखेगा। तो बढ़िया, आप सेटिस्फाइड हैं? बहुत ज़्यादा गुड, बेस्ट ऑफ लक।